teach you about lessons again, loving your family in online classes, revision. Once O-N-C-E, once means Ekva, family, F-A-M-I-L-Y, family means Parivar, I'm happy. U-N-H-E-W-T-Y, and I think it's affection, importance, I-M-P-O-R, P-A-N-C-E, importance is my. Everyone, E-V-E-R-Y, O-N-E, everyone means Pratek, alone, A-N-O-N-E, alone means Akela, desire. D-E-C-I, D-E, desire means Takia, friend, F-R-I-E-N-D, friend means myth, accident, A-C-I. B-E-N-D, accidentally, Durghatna, never, N-E-V-E-R, never means kabhi nahi, injured, I-N-J-U-R-E-D, injured means ghayal. Book reading, loving your family, Ram lived in a big family, Ram is bade ghar par rehta hai, he was very unhappy about it, but iske bare mein bahut apasan rehta hai, he never likes to be surrounded by so many people all the time, but apne bade parivar mein sabhi logon ko ghira rehna, अच्छा नहीं लगता है या पसंद नहीं है. ही फेल्ट दैट बिग फैमिली इज अ हेडर. वह बड़े परिवार को एक सिरदर्द महसूस करता है. एज ही वाज ऑलवेज बोदर्ड बाय एवरीवन. वंस एक बार हिज फैमिली हैड टू अटेंड अ वेडिंग इन अनदर टाइम. एक बार उसके परिवार को किसी दूसरे कस्बे में वेडिंग शादी अटेंड करनी थी. राम वाज नॉट इंटरेस्टेड इन हिज वेडिंग. राम की इच्छा नहीं थी वहां शादी में जाने की. ही टोल्ड हिज पेरेंट्स. उसने अपने अभिभावकों से बोला माता पिता से बोला आई हैव नॉट टू स्टडी. मुझे बहुत सारा पढ़ना है. आई हैव माई एग्जाम नेक्स्ट वीक. मेरे अगले सप्ताह मेरे एग्जाम है. आई कैन नॉट कम टू अ वेडिंग एंड वेस्ट माई टाइम. और मैं वहाँ नहीं आ सकता और इससे मेरा समय बर्बाद होगा. हिज पेरेंट्स वर नॉट वेरी हैप्पी. इस बात से उसके पेरेंट्स बहुत खुश नहीं थे. टू लीव राम अलोन. राम को अकेला छोड़कर जाने में एंड वो और जाने में. बट लेकिन राम इंस्टीड ए लॉट एंड सो दे डिसाइड टू लीव हिम अलोन एट होम. और लास्ट में राम को अकेला छोड़कर जाने का तय किया. फैमिली फाइनली लास्ट में मतलब फाइनली राम वाज अलोन एट होम. राम घर पर अकेला था. ही डिसाइड उसने तय किया टू एंजॉय द डे. उस दिन का आनंद लेने का विद हिज फ्रेंड अपने मित्रों के साथ. ही कॉल्ड अप हिज फ्रेंड. उसने अपने मित्र को बुलाया जोजो एंड आस्क हिम टू कम टू हिज प्लेस. अपने घर पर जोजो को बुलाया. एन आवर कुछ घंटे बाद जोजो अराइव्ड एट राम्स प्लेस. और वह राम के घर आ गया या राम की जगह पर आ गया. बोथ ऑफ देम डिसाइड टू गो एंड वॉच ए मूवी. दोनों ने तय किया कि आज हम दोनों खाएंगे मूवी देखने जाएंगे. दे टुक आउट देयर बाइसिकल एंड स्टार्टिंग रेसिंग ऑन द रोड. और दोनों ने अपनी साइकिल से रेस स्टार्ट कर दिया. साइकिल से वहाँ हाँ बात मूवी देखने के लिए जा रहे थे. गैस राम एंड जोजो हैव ए ग्रेट डे. ऑन द वे रास्ते पर राम एंड जोजो मीट विद एन एक्सीडेंट. एक दुर्घटना में दोनों मिले. राम फैंटेड एंड वाज एडमिटेड टू हॉस्पिटल विद ए फ्रैक्चर लेग. जोजो ने इन्फॉर्म किया राम्स पेरेंट्स राम के माता पिता को. हु रश्ड टू द हॉस्पिटल. उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया. एट फर्स्ट राम फादर वाज वेरी. पहले तो राम के पापा बहुत गुस्से हुए. एज राम हैड लाइड दैट द वांटेड टू स्टडी. क्योंकि उसने झूठ बोला था कि उसे पढ़ाई करनी है. एंड स्टे बैक होम. और वह घर वापस आए. हाउएवर लेटर ऑन द कूल डाउन राम वाज टेकन होम. राम को घर ले आए. राम सून बिगिन. राम ने स्टार्ट किया टू अंडरस्टैंड समझना द इम्पोर्टेंस महत्व ऑफ ए फैमिली. अपने परिवार का महत्व मैथ समझना स्टार्ट शुरू किया. हिज फादर उसके पापा गॉट हिम स्टोरी बुक्स कहानी की किताबों को लाए. वीडियो गेम्स एंड अदर टॉयज टू कीप हिम एंगेज्ड. हिज मदर उसकी मम्मा कुक हिज फेवरेट डिश. उसकी फेवरेट डिश पकाई थी. हिज ग्रैंडफादर उसके बाबा प्लेड गेम्स विद हिम उसके साथ खेल खेल रहे थे. व्हाइल जब भी हिज ग्रैंडमदर उसकी दादी टोल्ड हिम स्टोरी कहानियां सुना रही थी. हिज सिस्टर मैसेज्ड हिम व्हेनेवर ही वाज इन पेन. एंड हिज जब भी उसको दर्द होता था उसकी बहन उसकी मालिश करती थी. हिज ब्रदर हेल्प हिम उसकी भाई सहायता करते थे. विद हिज पेंडिंग स्कूल होमवर्क जो भी उसका छूटा हुआ स्कूल का वर्क पड़ा होता था उसमें उसके भाई मदद करते थे. हिज कजिन्स और उसके चचेरे भाई बहन विजिट हिम एवरी इवनिंग प्रत्येक दिन शाम को कुकले भी दिन उसके साथ खेलने आते थे. हिज फैमिली नेवर लेट हिम फील ओनली. और उसकी फैमिली ने कभी भी उसको अकेला महसूस नहीं होने दिया. दे मेड श्योर दैट ही वॉज बिजी एंड हैप्पी. वो चाहते थे कि ये व्यस्त रहे और खुश रहे. ऑन द टाइम के समय में सो ही फोकस लेस ऑन हिज पेन एंड इंजर्ड जिससे कि वह अपने दर्द पे और जो भी उसके टांग में
देखते। राम थॉट टू हिमसेल्फ, माई फैमिली हेल्प मी टू कोप विद माई इंजरी द एक्सीडेंट शो मी द इम्पोर्टेंस ऑफ ए बिग फैमिली। और इस दुर्घटना ने हमें बड़े परिवार का महत्व समझाया। सिंस दैट डे राम नेवर कंप्लेंड। अब राम को कभी भी कोई शिकायत नहीं थी अबाउट लिविंग इन ए बिग फैमिली, एक बड़ी फैमिली में रहने की। थैंक्स। समझ में?